कैबिनेट ने अतिरिक्त 27 लाख टन खाद्यान्न की आपूर्ति को मंजूरी दी। पीडीएस के जरिए बीपीएल और एपीएल परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न। सरकार ने दलहन के समर्थन मूल्य में भी 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने उदय परियोजना को भी दी मंजूरी। बिहार विधानसभा चुनाव के पांचवें और अंतिम चरण की 57 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के साथ ही ईवीएम में बंद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। सभी निगाहें अब रविवार 8 नवंबर को होने वाली मतगणना पर। अंतिम चरण में 60% मतदान हुआ, वहीं 5 चरणों में कुल मिलाकर 56.80% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में 13,802 करोड़ रुपए की लागत से 3 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली के मुकरबा चौक से पानीपत तक राजमार्ग को 8 लेन करना शामिल है। इस मौके पर पीएम ने आधारभूत संरचना को विकास के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड स्कीम के साथ ही दिवाली के मौके पर अशोक चक्र के चिन्ह वाले भारत में बने गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में कोई भी व्यक्ति अपनी ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, बार को डिपॉजिट कर ब्याज ले सकेगा। मोनेटाइजेशन स्कीम साल 1999 की स्कीम की जगह लेगी। विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटाने और भारतीय तकनीकी संस्थानों में देशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के मकसद से आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकल खिड़की वित्त पोषण व्यवस्था शुरू की। इम्प्रिंट इंडिया नाम की यह पहल प्रमुख अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए देश भर में फैले IIT और IISc की संयुक्त पहल है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछले दिनों जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसकी सभी ने निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने वाली कोलोजियम व्यवस्था में सुधार के मामले में संविधान पीठ ने आम लोगों से भी राय मांगी है। इस संबंध में लोग अपने सुझाव विधि मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए दे सकेंगे। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारें पहले ही अपने तमाम सुझाव सुप्रीम कोर्ट में रख चुकी हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि साइबर सुरक्षा से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर चल रहे ग्राउंड जीरो सम्मेलन 2015 में उन्होंने साइबर अपराध को कम करने और साइबर पॉलिसी के लिए उठाए गए सरकार के कदमों को भी रेखांकित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के वाशिम में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान 14 लोगों की आंख की रोशनी चले जाने के मामले पर महाराष्ट्र सरकार से तलब की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में वाशिम जिले में एक मोतियाबिंद जांच शिविर में चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशनों के दौरान की गई कथित गड़बड़ियों और लापरवाही के कारण कम से कम 14 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोगों के देखने की शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कल शाम मुंबई हाई क्षेत्र में ONGC के एक प्रतिष्ठान से उड़ान भरने के कुछ देर बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए पवन हंस हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। नागर विमानन मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि तटरक्षक बल और ONGC द्वारा लापता पायलटों की खोज की जा रही है। दुर्घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दायर की गई याचिका को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर और मामले में CBI के वकील पर किसी भी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों प्रत्यारोपों को हटाने का निर्देश दिया। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में सिंगल सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी है। बुधवार को अवर स्वास्थ्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब चेतावनी लिखे हुए बंद पैकेटों में ही सिगरेट की बिक्री हो सकेगी। आदेश की अवहेलना करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। भारत ने कहा है कि वो नेपाल को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की हर संभव कोशिश कर रहा है और भारत की ओर से कहीं कोई नाकेबंदी नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत से रोज नेपाल जाने वाली मालवाहक गाड़ियों की संख्या करीब 400 से 600 तक है। भारतीय मूल के कनाडाई सिख हरजीत सज्जन को बुधवार को कनाडा का नया रक्षा मंत्री बनाया गया। हरजीत सज्जन को कनाडाई सशस्त्र बलों के लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद दिया गया है। वो वैंकूवर साउथ से निर्वाचित सांसद हैं। वो एक भूतपूर्व सैनिक भी हैं जिन्होंने बोस्निया में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ ही उनकी अफगानिस्तान के कंधार में 3 बार तैनाती हो चुकी है। मोहाली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने पहली पारी में बनाए 201 रन, जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 28 रन। भारत की ओर से मुरली विजय ने बनाए सर्वाधिक 75 रन, वहीं दक्षिण अफ्रीका की ओर से एल्गर ने झटके 4 विकेट।